Hello friends, welcome to our channel DietyPie. Please subscribe to support and please click on bell icon for regular updates. टैसल बनाने के लिए मैं यूज करूंगी एक रिजेक्टेड एटीएम कार्ड और सिल्क थ्रेड। आप यहां पर कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हो। मैं जिस तरह से दिखा रही हूं, आप भी एकदम उसी तरह से 50-60 स्ट्रैंड दे दीजिए। ये हो जाने के बाद सीजर यूज करके कोई भी एक साइड काट लेंगे। स्ट्रैंड का पूरा मिडिल पोर्शन में एक थ्रेड का टुकड़ा लेके अच्छी तरह से घुमा के एक गांठ दे दीजिए। अब हमारा टैसल रेडी हो चुका है। टैसल का नीचे की तरफ सामान नहीं हो तो सीजर यूज कर लीजिएगा। इस ब्यूटीफुल इयररिंग को बनाने के लिए टोटल 3 पीस टैसल लगेगा। इसके बाद ले लेते हैं 1 फुट नायलॉन थ्रेड और निडल। पहले एक मीडियम साइज आईपिन में एक 14 mm पल्स लेके लॉक कर देते हैं। अब निडल में ले लेते हैं एक फ्लावर शेप बीट, एक 8 mm ब्लू पर्ल, 2 6 mm पर्ल, आई पिन 6 mm, 1 पीस टैसल, 1 पीस 6 mm और एक टैसल, एक 6 mm लेके आई पिन का दूसरे साइड से नीडल को ले लेंगे। इसके बाद 2 6 mm और एक 8 mm पार लेके फ्लावर शेप बीट का और एक होल से थ्रेड देने के बाद एक 8 mm ब्लू पार लेके दोनों थ्रेड में गांठ दे देंगे। इसके बाद एक ईयर स्टड लेके ग्लू गन की मदद से अटैच करने से ही रेडी हो चुका है एक अट्रैक्टिव लुकिंग इयर रिंग। आप इसे कोई भी स्पेशल ओकेशन में यूज कर सकते हो। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन के लिए प्लीज क्लिक ऑन बेल आइकन। थैंक यू सो मच आपका मूल्यवान टाइम देने के लिए।